दोस्तों, इस वीडियो में मैंने हिंदी रीति रिवाज से होने वाले शादी के सभी रस्मों को मैंने कवर किया था। पूरा वीडियो देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा। फ्रेंड्स, कैसे हो आप? से आपसे फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि यह ब्लॉग जो है शादी का ब्लॉग होने वाला है। तो मेरे अंकल की बेटी की शादी है जिसमें मैं आया हुआ हूँ। तो अभी फिलहाल मेरे को जाना है यहाँ पे, जिसमें ना मुल्तानी मिट्टी से साफ कराना है स्किन को थोड़ा सा। वहाँ जाएंगे, उसके बाद जो आप लोगों को ए टू जेड ब्लॉग दिखाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा और पूरा ब्लॉग देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर करें। भाई, बगल में घंटी बटन है, उसे भी प्रेस करना बोले। तो चलिए पूरा ब्लॉग देखते हैं और एंजॉय करते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। भाई, अभी फिलहाल मेरा जो है फेस अप हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे। ये मुल्तानी मिट्टी है, मतलब कुछ ही देर के बाद जो है पूरा साफ किया जाएगा। क्यों लोग पता होगा कि शादी ब्लॉग होने वाला है, तो जो है उसी के लिए फिनिशिंग हो रहा है। सामने अंकल की बेटी की शादी है, पूरा ए टू जेड सारा ब्लॉग देखिएगा। और भाई, कैसा लग रहा हूँ भी जरूर बताइएगा कमेंट करके आप। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग जो है आ गए हैं मंदिर के पास। यहाँ कुछ रस्म वगैरह होगा, मतलब हम लोगों का ये बजरंगबली का मंदिर है, छोटा बजरंगबली का मंदिर। यहाँ दो मंदिर है हम लोगों का, एक आगे में विशाल बजरंगबली है, एक छोटा सा मंदिर ये है। तो यहाँ पे कुछ रस्म वगैरह ये हो रहा है, देख रहे हैं। उसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ से दुर्गा मंदिर, जो यहाँ से लगभग हम लोगों के घर से जो है ना 1 किलोमीटर दूर है, और सारा रस्म दिखाएंगे। तो ए टू जेड आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा और अपना प्यार दीजिएगा हमें। और बताइएगा आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा भाई, ये भी हमें बताइएगा। तो हम लोग अब चल दिए हैं दुर्गा मंदिर की ओर। भाई, पूरा चल रहा है, धमाका मच रहा है। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग जो है दुर्गा मंदिर आ गए हैं। यह दुर्गा मंदिर शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है, काफ़ी फेमस है, आपरूपी है। यहाँ पे निशा पैर वगैरह धोली है और यहाँ पूजा करके, और इसके बाद हम लोग जाएंगे काली मंदिर। काली मंदिर में पूजा होगी और उसके बाद जो है हम लोग तो भाई, फाइनली हम लोग आ गए हैं काली मंदिर। निशा वो नीचे में है, ये रहा हम लोगों का काली मंदिर। और उसके बाद यहाँ पे पूजा वगैरह निशा करेगी, उसके बाद हम लोग जो है थोड़ा डांस व्यांस करते हुए घर चले जाएंगे। यहाँ से हाफ एन आवर हो गया, अभी लगभग 6:30 बज रहा है। निशा ये रही, पूजा कर रही है ये ठाकुर जी की। Thank you.
अभी जो है मतलब लावा वगैरह जो है जो भी चीज मतलब यहाँ पे पहुंचने वाली है वो कुछ भी था मतलब बीत वगैरह होने वाला है। अभी जो है आवाज आ रही है वहाँ पे पूरा प्रिपरेशन चल रहा है अभी काफी। तो बोले देखते हैं मेरी आवाज जा रही है तो काफी मजा आने वाला है। अभी फिलहाल डीजे बज रहा है, उसके बाद कुछ रस्म वगैरह जो है शादी का कुछ रस्म वगैरह जो है मतलब लावा वगैरह भूंजा जाएगा तो वो सारा जब भी होगा। चलिए मैं दिखाता हूँ आप सभी को। तो भाई तो यहाँ पे भाई बन रहा है मछली वगैरह। दो भोजन का व्यवस्था किया गया, वेज और नॉन वेज दोनों के लिए अलग अलग है। तो फिलहाल ये देख रहे हैं आप मछली वगैरह यहाँ बन रहा है। हाँ, उसके बाद सारा चीज़ बनने के बाद जो है चलेगा भाई पार्टी एकदम से। और एक क्विंटल मछली का व्यवस्था किया गया था यहाँ पर। और यहाँ पर ये एक सारे भोजन ग्रहण करते हुए लगभग 9-10 बज जाएगा हम लोगों को खिलाते खिलाते। अच्छा खासा वेटर की सुविधा है, सारा चीज़ है। हाँ, तो भाई बेटी की शादी है, फिर भी बहुत अच्छे से अंकल ने मैनेज किया सारा चीज़, काफ़ी अच्छा है भाई। आप लोग बताना हमें कैसा लग रहा आप लोगों का जो है मेरी छोटी बहन की शादी। उधर चल रहा है, कैसा लग रहा है भाई? बहुत मस्ती भाई, बहुत मस्ती हो रहा है। बहुत मस्ती, मतलब हर तरह खुशी का माहौल है। पूरा वीडियो बनाएंगे। बराती अभी जो है पहुंच चुका है द्वार पे। आवाज आप लोगों को काफी ज्यादा जा रहा होगा भाई। और से ये जो मंडप वगैरह सज गया बढ़िया से, आप लोग देख के बताइए कैसा सजा है। यहाँ पे भाई ये हम लोगों का गोहवर घर है, जिसको गोसे घर बोलते हैं। ये थाली में देख रहे हैं ना सजाया हुआ, तो इस लड़का जो आएगा तो उसको दीप वगैरह दिखाया जाता है, उसी के लिए ये चीज है। फाइनली बराती आ गया भाई, काफ़ी रात हो गई है, मगर रात हो चुकी है। हाँ सही, ठंड का मौसम है तो भाई घूरा लगा दिया गया, यहाँ पाग जला दिया गया है। हाँ सब सेक रहे हैं। संजीव संग नेशा, लड़का का नाम संजीव है और लड़की का नाम नेशा है। तो सारे बरातीगण जो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी जल्दी कुछ दिनों के बाद जो है मेला मतलब माला वगैरह का फेरा वगैरह जो भी होगा वो सारा चीज़ होगा। गाड़ी को चुमाया जा रहा है दीदी के द्वारा, काफ़ी अच्छा। मतलब सारे वीडियो में आप लोगों को हिंदू धर्म से रिलेटेड जो भी शादी से रिलेटेड जो भी रीति रिवाज होते हैं मैंने सारे को कवर किया इस वीडियो में, काफ़ी अच्छा है। तो लड़का फिलहाल आप सारा भाई चलिए देखिए, आप लोग एंजॉय कीजिए।
हाल जो है फोटो क्लिकिंग हो रहा है और निशा वहाँ पे बैठी हुई है, ठीक है। तो मतलब अभी अब जो सारा रस्म नहीं हुआ है, रस्म होने में भी बाकी है, सिर्फ फोटो वगैरह का माला वगैरह हो गया है, उसके बाद आगे का सारा प्रोसेस आप लोगों को दिखाएंगे। भाई अगर हमारे चैनल पर ना है तो प्लीज लाइक करके मिनके सिर के बगल में घंटी का बटन भाई उसे प्रेस करना मत भूलिएगा। पूरा ब्लॉग देखिए भाई। फाइनली यहाँ पे दहरी पे ये आ गए हैं। यहाँ पे मतलब जो लड़की का भाई होता है वो दहरी छेकता है, उसको कुछ मिलता है, गिफ्ट वगैरह दिया जाता है, ये हम लोग का एक रिवाज है। और उसके बाद जो है मतलब दुल्हन भी है साड़ी के नीचे मतलब रखा हुआ, तीन चार लड़कियाँ रहती है, इसमें खोजना पड़ता है। तो अभी देखिए इसको मतलब खोज पाते हैं कि नहीं, ढूंढ पाते हैं कि ना। खिलौने ले जाने आ है।
है सुबह में, मतलब सिंदूरदान वगैरह सब कुछ हो गया है। अब मैं घर जा रहा हूँ सोने के लिए, सुबह के 5 बज चुके हैं, अब चुका है अभी तक, और आँख मेरी लाल हो गई है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपने इंजॉय किया होगा। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय भारत जय।